महामुनि रूप में हैं, उनकी आहार चर्या का क्या महात्म है और तत्व ज्ञान आत्मा के कल्याण के लिए कहां तक सार्थक है, ये सारा जिनवाणी का रहस्य परम पूज्य राष्ट्र संत उपाध्याय महायोगी श्री गुप्ति सागर जी महाराज के मुखारविंद से सुनकर हम सब कृतज्ञ हो रहे हैं। पूज्य श्री से निवेदन, मंगल प्रवचन के माध्यम से हम सबके जीवन को धन्य करें। पूज्य उपाध्याय गुरुवर, ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः मणिमय मन हर निज अनुभव से जग 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 करती है तमो रजो अरु सतो गुणों के गण को क्षण में हरती है समय समय पर समय सार मैं चिन्मय निज द्रव मणिका को नमता मम निर मम मस्तक तज नृणमय जड़मय मणिका खो। जय बोलिए विश्ववंद भगवान महावीर स्वामी की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर मुनि राज की। धर्मस्थी बंधुओं, संसारी प्राणी आहार भय मैथुन और परिग्रह रूपी चार संज्ञाओं के जोर से पीड़ित होने के कारण अनंत काल से अपने स्वभाव का विस्मरण किए हुए शाश्वत आत्मज्ञान से विमुख है। चारित्र मोहिनी कर्म इतने जबरदस्त ढंग से उसके मन पर हावी है कि वह चारित्र लेने में अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करता है। छोटी सी जिंदगी और अनेक कर्मों के साथ लिप्त कीचड़ में सदा हुआ इंसान अपने शरीर की शुद्धि भी कर पाने में हैसियत को नहीं जगा पा रहा। क्रोध मान माया लोभ कसाएं इस तरह से आच्छादित हैं कि बादल भी छटने को तैयार नहीं है और यह बाल बुद्धि चंद्रमा को पकड़ने के लिए उतावला हो रहा है। बड़ा साहस जुटाने का प्रयास करता है
लेकिन संज्ञाओं से पीड़ित होने के कारण अपने स्वभाव को समझ पाने में अब तक सफलता अर्जित नहीं कर पाया है। श्रवण संस्कृति के सम्राट आचार्य कुंदकुद स्वामी इस जीव के लिए बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन विषयों का ऐसा नशा चढ़ा हुआ है जिसके कारण से यह समझने को तैयार नहीं है। और यदि कोई समझाने के लिए प्रयास करता है तो वह उस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। कोई शराब के दो घूंट ले लेता है तो बड़ी सभाओं से उसे निष्कासित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो आदमी मोह की नशा शराब में डूबा हुआ हो उस आदमी को समझाने का पुरुषार्थ कौन करे। वेशभूषा सुंदर है, चेहरा चमक रहा है, भौतिक साधनों का अंबार लगा हुआ है, इससे कोई मोहिनी कर्म कम होने वाला नहीं है, बल्कि इन सब चीजों के होते हुए अनासक्ति का परिचय अगर दे रहा होता तो समझ में बात आ सकती थी कि यह अपने आत्म कल्याण के लिए भीतर से चिंतित है। सुबह से लेकर शाम तक आप भोजन में दाल में सब्जी में और पोहा के अंदर प्याज की पत्तियां खाते रहें तो आपके लिए डकार किस चीज की आएगी? केसर की। सुबह से लेकर शाम तक आप भी मोह में डूबा रहे और तीर्थंकर के पाद मूल में पहुंच के यह सोचे मेरा कल्याण हो जाएगा, उपादान अभी इस काबिल नहीं है। जिसने प्याज की पत्तियां दाल में सब्जी में आदि आदि चीजों में इस्तेमाल की उसकी भीतर से डकार अशुभ की ही आएगी, शुभ की आ नहीं सकती है। हम कुंदकुंद आचार्य के पादमूल में बैठ के इस बात को सीखने की कोशिश करें। शुद्धं तु व्यानंतो, जो शुद्ध को जानता है और शुद्ध को ही प्राप्त हो पाता है, और जो व्यक्ति अशुद्ध को समझता है जानता है लगा है उसी में वह सदैव अशुद्धत्व को प्राप्त होता रहेगा। शुद्धं तु व्यानंतो, जो शुद्ध को जानता है, जो सुबह से लेकर के काम भोग बंध की कथाओं में पड़ा हुआ जीव है, तो बड़े से बड़े महापुरुष के पादमूल में बैठ के भी अपना भला नहीं कर सकता। तीर्थंकर के समोसरण में उपस्थित होने के बाद भी उसके जीवन का कोई भला हो इसका कुछ प्रमाण नहीं है। अनेक अनेक बार आप तीर्थंकर के पादमूल में गए, धर्म का श्रवण किया, लेकिन अभी भीतर की चेतना उद्बुद्ध होने को तैयार नहीं। चारित्र मोहिनी कर्म इस तरह से सवार है। अनंतो बार काम की कथाएं, भोग की कथाएं, बंध की कथाएं जीवन के लिए प्रभावित करती रही हैं, और आज भी आप इसी काम भोग बंध की कथाओं में बहुत गहरे से डूबे। थोड़ी सर्दी हो जाए तो प्रभु के चरणों में आने से रास्ता बंद हो जाए, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाए तो पंच कल्याणक प्रत्यास्थ में बैठने के लिए आपका मन जवाब नहीं देता, बड़ी गर्मी है, कहीं बड़ी सर्दी है,
कैसे चरणों में प्रभु के पहुंच के अपने कर्मों के प्रायश्चित के लिए उनसे निवेदन करें। जब सब कुछ ठीक होगा तभी हम ना यहां से निकल पाएंगे। इस संसार से कोई व्यक्ति निकल नहीं सकता, वह तभी निकल सकता है जब व्यक्ति के चारित्र मोहिनी कर्म का थोड़ा प्रभाव कम होने लग जाए। मैं सोचा करता हूं रास लीला करते 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 आपको 3 दिन बीत गए, कल दीक्षा का इतना बड़ा महोत्सव हो गया, लेकिन आपके चेहरे पर वही मस्ती, वही आनंद, वही भोगों में लीनता कहीं ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ कि एक महापुरुष आपके बीच से चला गया। दीक्षा धारण कर ली, दुखों से मुक्ति के लिए राह तलाश ली, लेकिन आप अभी दुख को ही सुख समझ बैठे, शरीर को ही आत्मा समझ लिया है, पर पदार्थों में आत्मबुद्धि दुख का कारण है। अज्ञान मोहित मति, जिसकी अज्ञान से मति मोहित हो रही है, वह कभी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता है। आत्म कल्याण करने के लिए हमें चारित्र की भूमिका को समृद्ध करने की जरूरत है। आज व्यक्ति चारित्र के क्षेत्र में सबसे कमजोर दिखलाई देता है। कितने ही बड़े आचार्यों के चरणों में पाद मूल में रहकर वंदना कर ले, लेकिन जब तक संयम के मार्ग पर बढ़ने का पुरुषार्थ नहीं करता है तब तक इस जीव का भला कैसे हो सकता है। महानुभाव बुद्धि का विनाश करने वाला कौन है? एकमात्र मोह है, और इसी मोह के कारण यह कर्म बंधन से बच नहीं पा रहा है। वैराग पावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई, वैराग को बढ़ाने वाली माता के समान जो हमें चेष्टा करना चाहिए थी उसमें हम अभी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। महामुनि मुनि सुब्रत अपने जीवन की साधना को निरंतर आगे बढ़ाने में प्रयत्न रत्न है। वर्धमान चारित्र एक कदम आगे लेने के बाद पीछे का कोई प्रयास नहीं। आज व्यक्ति आगे बढ़ के पीछे जाने में लगा हुआ है, वह सोचता है कि मेरे अनुकूल यदि सब कुछ है तो ही हम प्रभु के चरणों में, हमारे अनुकूल है तो हम गुरु के चरणों में हैं, हमारे अनुकूल है तो शास्त्र का श्रवण करने की बात करेंगे, वरना ये शास्त्र मेरे लिए नहीं है। जहां कोई मतलब की बात निकलती है वही आपके लिए सूट करती है, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं पन्नाए गिप्तब्बो, प्रज्ञारूपी छेनी को हाथ में लेकर भेद विज्ञान की भूमिका को समृद्ध कीजिए। भेद विज्ञान के अभाव में आदमी क्या ग्रहण करेगा? हंस और बंगला एक ही तट पर बैठे हुए हैं, हंस क्या ग्रहण करता है और बगुला क्या ग्रहण करता है, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। भेद विज्ञान के अभाव में काम भोग बंध की कथाओं में डूबे हुए हम प्रभु के चरणों में बैठ करके भेद विज्ञान को जगाने की कोशिश करते। बिना साइलेंसर की गाड़ी चल रही है, आप सोचते हैं बड़े आराम से चल रहा हो, लेकिन कर्म बंद हो रहा है। बेआवाज जिंदगी चल रही है लेकिन भीतर उथल पुथल है, परेशानियां अनेक हैं। जिंदगी का साज भी क्या साज है,
बज रहा है। बहुत सारे लोग राजधानी से सुबह सुबह सर्दी में आ रहे हैं। सर्दी है, संगीत बज रहा है, चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कहते बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, और उस सर्दी के कारण से घर से निकल नहीं पा रहे। हम आज ज्यादा क्या सोचें और ज्यादा क्या कहें, कहने और सोचने के लिए कोई विषय नहीं। साक्षात तीर्थंकर भगवान का दर्शन तो आज इस युग में संभव नहीं, तो उनके प्रतिबिंबों को स्थापित करके अपने मन को एक छोटा सा आलम्बन दिया जाता है, किसके माध्यम से हम अपने आप को संवार लेंगे। लेकिन शुद्धं तु भी आनंदो, हम शुद्ध का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं। सत्संग से बाहर निकलते हैं और संसार में फिर लग जाते हैं। ये मोह का ही परिपाक है। आचार्य कुंद बार बार कहते हैं इस मोह ने ही इस संसार में घुमा रखा है। राग और द्वेष इसके परिवार के दो सदस्य, आपके परिवार में भी दो बच्चे होंगे। राग और द्वेष मोह के परिवार के दो बच्चे हैं, तो राग द्वेष के वशीभूत होकर के अविरल कर्म का बंध हो रहा है। जो हमें अच्छा लगता है उससे हम प्रसन्न हो जाते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है उससे हम विमुख या मुंह फेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों ही संसार। राग और द्वेष की भूमिका जब तक चल रही है तभी तक ही तो संसार है। इसलिए कहा कि पन्नाए गिरतव्यो, अगर आप छैनी के द्वारा भेद विज्ञान करने का अभ्यास कर लीजिए, शब्दों के माध्यम से कुछ भी नहीं होता। लैब में जब जाते हैं, केमिकल सामने बॉटल्स में होते हैं, और जो आपको सब्जेक्ट दिया गया उसके अनुसार यदि आप काम करते हैं तो ही आप सफल होते हैं। अपना लैब में बहुत सारे केमिकल्स रखे हैं, बरकमलिया रखी है, और आप समझदार नहीं हैं तो आप फेल हो जाते हैं। प्रैक्टिकल में फेल होना सबसे गंदा समझा जाता है। आज प्रैक्टिकल में ही फेल हैं, थ्योरी में सारे लोग होशियार हैं, गाथाओं को रट के बोल सकते हैं, लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन जब संयम की बात आती है तो आप कहते मेरी हैसियत नहीं है, मुझे शादी में जाना, मुझे और भी काम करने बाकी रह गए हैं, केवल सन्यास ही मेरे जीवन का लक्ष्य थोड़ी है। जिस आदमी के जीवन का लक्ष्य सन्यास ना हो उस संतों के चरणों में आता किस लिए है? केवल हाजिरी, उसका कोई फायदा ना होगा। फायदा तब है डॉक्टर के पास जाने के बाद औषधि ली जाए, औषधि जेब में रखी गई तो ही फायदा नहीं होने वाला है। नालेज ज्ञान में दिमाग में रहे तो भी काम होने वाला नहीं है। काम तभी हो सकता है जब हमारा चारित्र तीर्थंकरों की कैटेगरी में आए। मैं अपने हिसाब से ना चलूं, हमेशा हम अपना बुखार अपने थर्मामीटर से नापने की कोशिश करते हैं। हमें अपने बुखार को उनके थर्मामीटर से नापने की कोशिश करना चाहिए। हर आदमी सोचता मैं ठीक चल रहा हूं, लेकिन प्रभु के अनुसार ठीक चल रहे हैं क्या? असोहादो विनिवित्ति सोहेम वित्ति जान चारित्रम। कोई व्यक्ति तंबाकू की पुड़िया को अच्छा समझता है, उसे बुराई नहीं समझता, वो जीवन की आवश्यकता हो गई, लेकिन भगवान ने कहा सब दर्शन का एक पार्ट है। सुबह से चाय के बिना आपको चलना मुश्किल होता है, लेकिन वह बुराई है। आप कहते नहीं ठीक है सब कुछ चलेगा, लेकिन प्रभु कहते यह तो कमजोरी है।
छोटी छोटी चीजें आपके साथ ऐसी जुड़ी हुई हैं कि उनको छोड़ पाना आपके लिए दूभर हो रहा है। सच्चे देव गुरु शास्त्र के चरणों में आना छोड़ सकते हैं, लेकिन अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए आपने कोई भी साहस नहीं जुटाया। इतना विशाल पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करने के बाद यदि तमाम इंद्रों के लिए, आगंतुक व्यक्तियों के लिए अपनी बुराई से दूर हटने का साहस ज्यादा हो तो मैं समझूंगा कि बड़ौद में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा हुई। वरना तो चलता ही रहता है, संसार कब और कहां रुका है। दीक्षा प्रभु की हुई, अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे हैं, 22 परिसय सहन करने में लगे हैं, लेकिन आप उनमें से एक भी परिसय सहने के लिए अपने को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। एक छोटा सा मच्छर आपके बेडरूम में घुस जाए तो मन विचलित हो जाता है। एक दो घंटे के लिए आपको चाय ना मिले, लेट हो जाए तो भी आपका मन परेशान हो जाता है। मैं सोचता हूं कि जब कुछ पल के लिए मुनियों के पास जाते हैं तो ही आप थोड़ी शांति का अनुभव करते हैं, वरना आप तो बिल्कुल स्वर्ग में ही आसीन है। घर में जाते हैं तो डल्लभ पर होते हैं, कार में होते हैं तो बहुत मोटी गद्दी होती है, दफ्तर में होते तो गद्दी मोटी होती है, किन मुनियों के पास जाते हैं तब थोड़ा कुछ बेमन से बर्दाश्त करते हैं। सहज भाव से आप यही सोचते कि मैं कहीं नहीं, बहुत बड़ी जगह हूं। आज मंदिर में जाने के बाद भी आप कहते मुझे मुड्डा और कुर्सी मिल जाए। समोषण में मुझे लगता है कि आने वाले युग में यदि ये पंचम काल में लगता होता समोषण तो आप कुर्सियों की आवश्यकता नजर आती आती ना। घुटने आपके ठीक होते नहीं क्योंकि आपके विचार खोटे हैं, सिर दर्द ठीक होता नहीं क्योंकि आपके विचारों में अपार विकृतियां हैं। उस वक्त तो मुनिराज को देखते ही, मानस धर्म को देखते ही मनुष्य का मन जैसा हो जाता था। आप तो साक्षात मुनियों को देख करके भी, गुरुओं को देख कर भी, अरहंतों के चरणों में पहुंच कर भी मन की बुराइयों को धो नहीं पा रहे। यदि आपको शांति धारा में कलश ना मिला तो आपका मुंह लाल हो गया। एक पल में देख लो ना, ये मेरा अधिकार है, आदमी कहता है इस चीज पर मेरा अधिकार है। अपने एक रोग पर हमारा अधिकार नहीं बनता है, लेकिन हम पर पदार्थों में इस तरह गहरे डूब गए। यदि ये मुझे नहीं मिला तो मैं अभी हंगामा करने को तैयार हूं। ये आभूषण अगर मेरे हाथ से खो गए तो मैं तो मर ही जाऊंगा। ऐसा जो आदमी मानने लग जाता है वो आदमी वस्तुओं में ही खोया है, वो भगवान के चरणों में अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ा पाता है। चीजों के माध्यम से कभी भी कोई आदमी मालदार नहीं बन सकता है, मालदार भावों से बन सकता है। तो बुढ़िया की लुटिया कभी कभी कमाल कर जाती है भिखारी जैसी, और रईसों के ये डायमंड, पुखराज, नवरत्न लाइन में खड़े रहते हैं। इसलिए अपनी श्रद्धा को, अपनी विशुद्धि को बढ़ाने का प्रयास करते हुए अपने चारित्र को निर्मल करने की कोशिश करें। महानुभाव, जल चिंतन और जलपान में बड़ा फर्क है। 2 घंटे 4 घंटे वस्त्रों में लिपटा हुआ इंसान भाषण कर सकता है, लेकिन 1 घंटे के लिए नंग होकर के शीत लहर में चलना उसके लिए दूभर हो जाता है। कटीली पथ में जब मुनिराज चलते हैं तो आप सोचते कार में बैठ जाऊं, थोड़ी सी देर में आपकी शुगर बढ़ने लग जाती है,
गाड़ी में जाकर औषधि लेते हैं और अगले मोड़ पर मुनिराज के सामने खड़े होकर के फोटो खिंचा लेते हैं और लोगों को मैसेज करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने बिहार कराया। आपका ये चरित्र आपके लिए ही नुकसानदायक है। दुनिया की निगाहों में अच्छे होने के लिए जो आदमी कोशिश करता है वो अपने साथ स्वयं धोखा कर रहा है। मुनियों के साथ चलना, मुनियों के साथ बैठना, उनके आचरण से अपने आचरण को मिलाने का प्रयास यदि कर पाए कभी किसी दिन किसी शाम तो जिंदगी सफल है, वरना अपने आप के लिए हम व्यापार की लाइन में खड़ा करते। कहा से यदि आप यहां ना आते, मंदिर ना आते तो भी काम चल जाता, लेकिन अपने कार्यों में ईमानदारी बरतते तो हमारे आचार्य भगवान आपसे खुश होते, प्रसन्न होते, तीर्थम करके लिए भी लगता कि आज धरती पर कोई अच्छे विचार के लोग हैं। सो धन तो भी आनंदो सुध को जानने वाले लोग हैं। सभी लोग प्रयास करते हैं कि मेरा चित्र आ जाए, मैं कहीं खो ना जाऊं, चूक ना जाऊं राग रंग। लेकिन आचार्य कुंद कुंद की परंपरा में जीने वाले लोगों को तो विचार कर लेना चाहिए कि मैं काम भोग और बंध की कथाओं में कब से डूबा हुआ और कब तक डूबा रहूंगा। आचार्य कुंद कुंद का जय घोष करना चाहते हैं, लेकिन करते हम वही हैं जो हमें करना है। हमें कौन रोक सकता है, हमें जो करना वही कर रहे हैं। नाम प्रभु का लेते हैं वो काम अपना करते, ये होना चाहिए था। नाम भी उनका और काम भी उनका। एक व्यक्ति को पूछा गया नौकरी करने के लिए, बहुत बड़े सम्राट के पास पहुंचा, उसने कहा मुझे नौकरी चाहिए। उन्होंने कहा निश्चय ही मिलेगी, तुम क्या तनख्वाह दोगे? उसने कहा जो दोगे। आप क्या खाओगे, जो आप खिलाएंगे? आप क्या काम करोगे? उसने कहा जो आप काम कराएंगे। हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, हम अनंत के चरणों में संत के चरणों में बैठने के बाद अपनी इच्छाओं को न लेते हुए उनकी इच्छा के मुताबिक चलने लग जाए। वो सम्राट खुश हो गया था, उसने कहा ऐसा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला जिसे तनख्वाह पूछूं क्या लोगे। उसने कहा जो आपकी मर्जी, क्या काम करोगे जो आप कराएंगे, क्या खाओगे जो आप खिलाएंगे, कहां रहोगे हम जहां सुनाएंगे। आपने कभी यहां कैसा कहा? नहीं कहा होगा, नहीं कहा होगा ना। देखो आप कैसे गुमसुम बैठे हैं, कितने गुमसुम बैठे हैं। कोई कारण होगा, एक फूली में झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, जरूर कोई कारण होगा। इतने गुमसुम क्यों हैं? क्यों भैया इतने गुमसुम क्यों हैं? कोई कारण होगा, हैसियत नहीं है और हम प्रदर्शित कुछ ज्यादा करना चाहते, और इसीलिए आज तक मैं यहां पर है। हमारी हैसियत जितनी होती है जम सकती तुम की रही, जितनी शक्ति है आचार्य के तो उतना अच्छा काम कर लेना चाहिए। जम ना सकते इतना सहदनम, और जितनी शक्ति ना हो उसका सद्धान करते हुए आगे बढ़ लेना चाहिए। लेकिन आज 52 तोला चार रत्ती शक्ति है और 1 तोला त्याग करते हैं। 1 तोला का 1 रत्ती क्या त्याग करोगे? इत्याग का काम तो मुनि सरबुद्ध जी का है, मेरा अपना कोई जुम्मा नहीं है। उन्हें तीर चलाना है, चलाएं।
हमें थोड़ी कोई तीर्थ चलाना है, इसलिए हम कोई त्याग नहीं करेंगे। हम तो केवल अपने जीवन में आनंद लूटने के लिए, यह भोग भूमि नहीं कर्म भूमि है। यह अच्छे काम कुशलता पूर्वक करना चाहिए। आचार्य पूज्य पाद स्वामी कहते हैं, कुशलेषु अनादरः, कुशल कार्यों में अनादर करने वाला आदमी प्रमाद की भूमिका में होता है और वह हिंसा के साथ भारी से भारी बड़े से बड़े कर्म का बंद करने में अग्रणी हो जाता है। आज आप निश्चय ही सौभाग्यशाली हैं, राजधानी से चलकर बड़ौद में जो राजगृह नगर है, वहाँ भगवान मुनीश व्रत का आज पारणा होने जाना है। सारे तीर्थंकरों की प्रथम चर्या तीसरे दो उपवास के बाद हुई, वृषभ देव के एक वर्ष के बाद हुई। क्या कारण है? भगवान वृषभ देव का सहनन कुछ ज्यादा था क्या और बाकी का सहनन कुछ कम था क्या? पर यही तो संयोग की बात है। किसी को वर्ष भर तक भोजन नहीं तो किसी को दो दिन के बाद आहार लेना। आप भी विचार कर रहे होंगे कब यहां से छूटो और भोजनशाला में नाश्ता पर उतर जाओ। ऐसा ही है ना? देखो बोलेंगे कोई भी नहीं आज, मुझे मालूम है जो बोला बोला वही फंसा, इसलिए आप इनको मौन रहते हैं। इसके बाद सारे दिन बोलते रहते। मेरा आपसे अनुरोध है, जो तीर्थंकरों को साक्षात आहार देता, आहार तीर्थंकरों को मुनियों को आहार देता है, उसे साक्षात अपने हाथ से आहार दे करके तीर्थंकरों को आहार देने का पुण्य मिल सकता है। प्रथम तीर्थंकर की जिंदगी से वाकिफ में लोग, इसलिए जब कभी आपको मौका मिले तो अपना सूट उतार करके मुनियों के आहार में अग्नि हो जाना। श्रेयांश के लिए आहार देने का मौका, दान तीर्थ होने का मौका। जरूर, एक मिनट सोचना। जरूर, परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज की मान भाव। आज के अभी कुछ सम्मान समारोह घूम रट गए, इसके बाद आज की व्यवस्था समझ लेंगे। जो ये नियम बनाए इस पर पड़गाने के लिए सबको खड़ा रहना है। ये राजा राजगृह के राजा ऋषभ सेन का एक भवन है, इस भवन में कोई नहीं जाएगा, ठीक है? आप सभी को इस पर रैंप पे पड़गाने के लिए खड़ा होना है। यहाँ से आएंगे, हाथ दे करके वहां से जाएंगे। जितने भी अपने शूटिंग वाले हैं, पारस चैनल जनवाणी आपके लिए दीर्घा बनाई गई है। इस दीर्घा की जनवाणी चैनल जब महामुनिराज का आहार होगा, आप इस दीर्घा में खड़े होकर के लाइव प्रसारण को प्रसारण करेंगे। खाली करिए, ऊपर कोई बुरा आदमी नहीं आना। अक्षय भैया, अक्षय जी, हमारी व्यवस्था को सहयोग करो। किसी को बुलाओ मत, तेरे को बुला रहे नहीं। अभी यहाँ खड़ा मत करो, नहीं नहीं, सबको मत बुलाओ। प्लीज चलिए भाई, आप चलो ना भैया, प्लीज व्यवस्था को सहयोग करो। चलिए दूर रहना भगवान, हाँ देख रहे हैं। यहाँ पे चलो, आपके बारे श्री कपिल जी जैन गुड़गांव, कपिल जी जैन गुड़गांव, श्री रविंद्र जी जैन भी गुड़गांव, श्रीहंगल महामुनिराज गुड़गांव, उतर रहे हैं। सभी खड़े हो जाइए, यहाँ से भैया रास्ता दीजिए, रास्ता दो। उतरे हुए भी लोग भाव से बोल सकते हैं, हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, अत्रो, अत्रो, तिष्ठो, तिष्ठो। देखिए, ये मुनिश्वरत नाथ का काल है और पूर्ण रूप से नवदा भक्ति के जानकार लोग हो गए थे, इसलिए आप लोग नवदा भक्ति सही ढंग से करें। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। दोनों जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइए, दोनों जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइए।
इस तरह से बोलो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु आत्र त्रिष्ट तिष्ट आजल सुन हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु आपकी आवाज धीमी आ रही है जोर से बोलिए देखिए पूरी की पूरी राजगिरी नगरी बोलिए सभी ऊंचे स्वामी महामुनि ऋषभ नाथ के लिए के लिए उत्सुक हे स्वामी चलिए हाथ जोड़िए जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइए ये महाराज है सभी एक साथ बोलो हे स्वामी नमोस्तु हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु आत्र त्रिष्ट तिष्ट हाजल हे स्वामी नमोस्तु 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 आत्र आत्र तिष्ट तिष्ट जल शुद्ध है बोले जय हे स्वामी नमोस्तु महामुनि मुनिसुब्रत नाथ को लोग तरह तरह के थाल दिखाकर और उसमें सामग्री प्रकाशन की सामग्री लेकर नीचे वालों की कम आवाज आ रही है जोर से बोलिए हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु सारी नगरी भगवान महामुनि महामुनि ऋषभ नाथ के आहार दान कराने के लिए उत्सुक है देखिए विधि नहीं मिलने पर महामुनि चले गए अब यह महामुनि को देख भी रहे हैं और महामुनि लौट गए वृषभ दत्त राजा बड़ा उतावला है और अपने निर्निवेश नयन से महामुनि को पड़गा रहा है महामुनि मंगल कलश को देखते हैं और राजा वृषभ दत्त के यहाँ में रखना हाँ उपाध्याय श्री ने कहा है अक्षय भाई कुछ त्याग करके दोनों पति पत्नी कोई चीज कुछ भी त्याग कर दो और शुरू करो बोलो देखो आज पैसे का सौदा नहीं है संयम का सौदा है लोग सोचते हैं कि पैसे से मूर्ति खरीद लेंगे लेकिन भगवान नहीं खरीद सकते दीदी माइक से बुलवा दो श्रुति हे स्वामी राजा ऋषभ देव ऋषभ सेन बोलिए ऋषभ दत्त बोलो अच्छे बोलो हे मुनिराज मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है मुद्रा छोड़ अंजलि ग्रहण कीजिए नमोस्तु हे स्वामी नमोस्तु 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 आहार जल शुद्ध है मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि आहार जल शुद्ध है नमोस्तु स्वामी अंजलि छोड़ के मुद्रा छोड़ अंजलि ग्रहण करें हे स्वामी नमोस्तु 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 हे स्वामी अंजलि बांध भोजन ग्रहण करें ओम नमः चलो बस हम सबको नहीं बोलना माइक में ठीक है ओके चलो छोड़ो रहने निरंतर आहार और ऐसी कामना करने से भी
उत्तम भोग भूमि के पुण्य का बंद होता है। जो श्रावक श्राविकाएं आहार देने में सक्षम नहीं है, बीमार हैं, कमर में दर्द है, शुगर की बीमारी है, वो बेचारे आहार कैसे दे सकते हैं? वो किसी और गति में सोचेंगे देने का, लेकिन जो देने की भावना रखते हैं उनके लिए प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का इक्षु रस से आहार हुआ था, लेकिन द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ से लेकर महावीर पर्यंत सभी तीर्थंकर का चीरान्न से अर्थात खीर से आहार हुआ। और ये दुग्ध का खीर हम आहार के रूप में प्रदान करते हैं, महाप्रभु का आहार होता है। महामुनि तीर्थंकर की ही संज्ञा है, ध्यान रखना, और किसी की महामुनि तन संज्ञा नहीं है। और हम सभी महामुनि मुनिसुप्रत नाथ को आहार दे रहे हैं, जिनका काल स्वर्णिम काल था, ऐश्वर्य का काल था, सारे जीवों को करुणा वात्सल्य प्रेम की शिक्षा देने वाला काल था। उन महामुनि का आहार यहाँ वृषभदत्त महाराज के यहाँ चल रहा है। हम सभी उस समय भावना भाते हैं, हे प्रभु आपका आहार हो गया, हम सबका जीवन धन्य हो गया। निश्चित रूप से महामुनि देखिए दो दिन के उपवास के बाद उठे और आहार हुआ, कोई तीन दिन, लेकिन जैसा पूज्य श्री ने बताया था कि ऋषभदेव भगवान का आहार 13 महीने 8 दिन बाद हुआ था, वो एक कर्म का या कर्म का ही प्रभाव था। और उन जिस जीव के जो कर्म का जैसा उदय होता है वैसा ही, लेकिन महामुनि मुनिसुप्रत नाथ दो उपवास के बाद आज आहारचर्या को निकले और राजगृही के राजा ऋषभदत्त का भाग्य और भाग्य जाग गया। और उनके भाग्योदय से ही उनकी महारानी ने प्रगान किया, साथ में प्रगान किया। और देखिए जोड़े से आहार देकर ऐसा पुण्य, आहार दान का ही पुण्य होता है उत्तम भोग भूमि में जन्म लेना। अभी बताया सागर सेन दमधर्म को वज्रजंग और श्रीमती ने आहार दिया था, उसी का परिणाम हुआ था कि वो उत्तम भोग भूमि में जन्मे थे। और उत्तम भोग भूमि में वहाँ स्वयं बुद्ध नाम के मंत्री ने उन्हें संबुद्ध किया और वह स्वर्ग पहुँचते हैं। भोग भूमि में जन्म लेने वाला नियम से स्वर्ग जाता है, लेकिन आहार दान का फल है कि वह भोग भूमि में जन्म लेता है। और कुपात्र को जो देता है वो जघन्य भोग भूमि में चला जाता है और उसको वह सुख नहीं। लेकिन महामुनिराज दिगंबर मुनिराज को आहार दान जो देता है भक्ति भाव से देता है, पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा है जिसके घर में महा दिगंबर मुनि के आहार होते हैं वही सदग्रस्त का घर कहलाता है। नहीं तो चांडाल की उपमा दी है जिस घर में आहार ना हो मुनिराज के। इसलिए हम सबको मुनिराज को अपने घर पर आहार कराना चाहिए। ये राजा वृषभदत्त उनके हुआ, देखो एक ध्यान रखना, अनुशासन बना के रखना, बिल्कुल ध्यान रखो, अंतराय ना हो, आपका यही भाव होना चाहिए। आप सबसे निवेदन है व्यवस्था में सहयोग करिए, भिंडी में चलो बहुत आराम से आइए और आहार देने निकलिए। अभी अब यहाँ पर आप सबको लाभ किया जा रहा है, तीर्थंकर भगवान का आहार होने के पश्चात देवों के द्वारा पंचस्तर की वृष्टि होती है। देवों के द्वारा पंचस्तरी प्रकट किए जाते हैं। पांच महानुभाव का मैं चयन कर रहा हूँ उमेश भाई, पांच लोगों का मैं चयन कर रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले आहार होने के पश्चात देवों के द्वारा
उस बिस्ती की जाती है। बोलो भाई ये हेलो हाँ पंचाक्षर जो होंगे आप में से कोई पांच व्यक्ति उस पंचाक्षर को करेंगे, पहला पंचाक्षर रक्त बृष्टि होगा, फिर उसके बाद बृष्टि होगा, धुंधुरी बृष्टि होगा, इस प्रकार पांच पांच आश्चर्य हो गए। पंडित जी उसकी राशि फिक्स कर दो, कोई भी पांच लोग आ जाएंगे। पहले एक शुरू करो, पहले एक बोली कुष्मा को कर। अच्छा बोली भाई बोलो कौन रक्त बृष्टि कौन करेगा? बोली भाई चलिए रक्त बृष्टि करने के लिए कहाँ से शुरू करूं? बोली को 5151 रुपया 5151 रुपया एक 5151 रुपया दो। माता बहने भी लाभ ले सकती, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी ले सकता, पेंशन वाले भी ले सकते ना। बोलिएगा रक्त बृष्टि। ए भैया ए राजीव राजीव आप चलिए रक्त बृष्टि के लिए 5151 रुपया एक 11111 रुपया 11111। हाँ जी 11111 रुपया। एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार, कितने 15515 रुपया 15515 रुपया एक 15515 रुपया दो 15515 एक दो ढाई ग्यारह बारह भाई साहब 15515 एक बार, दो बार, ढाई बार, पौने तीन बार और ये बोले तीन बार। नाम इस बोली का शोभा श्रीमान अशोक कुमारी जैन पन्ना परिवार ने शोभा लिया है। और सच मानिए इनका दिल बड़ा हृदय विशाल है और दान देने में अक्सर जिनका नाम कहीं लिया जाता है वो अशोक जी है। एक बार जो दान तालियां बजाइए। हाँ जी ग्यारह इस बार 3 11 11 हजार रुपए में फिक्स करते हैं। चार चार कोई भी मानवा 11 11 हजार रुपए में जिसका मन हो। पवन जी जैन सबसे पहले रक्त के बाद उस दृष्टि करेंगे। पवन कुमार जी जैन स्वदेशी इंडस्ट्रीज दिल्ली रोड। चलिए तीन नाम हो चाहिए 11,000 रुपए में। एक नाम बोलो मेरा नाम एक नाम अजय कुमार जैन गंगा को बिस्ती करेंगे। अजय कुमार जैन जैन मसाला पंडित जी साहब एक नाम इधर से कैमरी में से है। एक काले भाई का है और एक है पंकज जी जैन पारस चैनल। पंडित साहब एक कैमरी में से है पंकज जी पारस चैनल। हाँ एक एक कैमरी से है भाई अजय भाई काले भाई एक कैमरी में से है। पांचों नाम हो गए पूरे। पेट जैन दिव्य घोष टीकमगढ़ वाले जहाँ पर हो यहाँ आ जाए। पंडित साहब ये जो कलश लेके आपके बीच में आ रहे हैं ऐसा कोई मानवाओ नहीं बचे जो आज इस हर धन में हार नहीं दे पा रहे। कोई बात नहीं उमेश भाई जो महान भाव आहार दान देने से वंचित है शुद्ध कपड़े नहीं है मतलब आहार दान में कुछ न कुछ राशि जरूर निकाले आपके पास में। प्रतिनिधि आ रहे प्रतिनिधि आ रहे हैं। एक मिनट कर लो भैया सब लोग। पूज्य उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर महाराज उस क्षणों के बाद स्वयं आहारचर्या के लिए जाएंगे। ये प्रीत विहार का संपूर्ण दिगंबर जैन समाज निर्माण विहार का संपूर्ण दिगंबर जैन समाज और उसके अध्यक्ष श्री कुलदीप जी जैन अग्रणी होकर पूज्य महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज से निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुदेव अब यहाँ से बिहार निर्माण बिहार के लिए ही करें और हम सब आपका बिहार कराएंगे। निर्माण बिहार पूज्य श्री के सानिध्य चाहते हैं और वहाँ पूज्य श्री के मंगल उपदेशों का लाभ भी लेंगे। जय बोलिए देवाली देव मुनि सुमृतनाथ भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज। आते जाइए जिन्होंने गोलियां दी है पहले से कि महानुभाव सब हमसे आगे मिले रक्त बृष्टि पुष्प बृष्टि गंगाधर बृष्टि जय जयकार वाले टीका पर बैठ दे और तैयार हो जाए भाई जब
बोलेंगे, इशारा करेंगे, जिनकी बोली उनको बजाना है पहले। राजकुमार जी ध्यान दें, चैन दीप घोष वालों को खबर करो यहाँ के खड़े हो, भी यहाँ आकर के अपने दंगल के साथ खड़े हो बाजे वाले। धन्य हमारे भाग